जनता का देख रहे सभी दर्शकों को एमएस निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम करनाल जिले के गांव खेड़ी मानसिंह में पहुंचे हैं और यहां पर पशु पालकों का एक शिविर लग रहा है और इस शिविर में जो पशु पालन विभाग के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये शिविर में क्या क्या जानकारियां दी जाएंगी और पशु पालकों को क्या फायदा होगा ये आपसे बात कराएंगे। लेकिन इस तरह के शिविर गाँव में लगने बहुत जरूरी है क्योंकि इन शिविरों से जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको बड़ी अहम जानकारियां मिलती हैं और ये जानकारियां मिलने के बाद पशुपालक बहुत सारा लाभ कमा सकते हैं। सुनिएगा अधिकारी क्या कह रहे हैं और इस पशुपालन विभाग का जो शिविर है इसका क्या फायदा ये उठा रहे हैं, सुनिएगा। ये जो इस गांव में प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ जो वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं FMD प्लस HS की, उसके बारे में इस गांव में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो वैक्सीन ही लगवाना चाह रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए ताकि वो ये हमारी वैक्सीन लगवाएं और साथ साथ जो ईयर टैगिंग है उसको करवाएं। उसके लिए जो डॉक्टर नरेंद्र हैं और जो डॉक्टर धर्मेंद्र हैं, इन्होंने बताया कि आप आइए और पशुपालकों से मिलकर इनको मोटिवेट करिए। तो मेरा असली मकसद ये है कि मैं पशुपालकों के साथ रूबरू होकर इनको ये बताऊं कि इन दोनों चीजों के क्या फायदे। प्रदेश में इस तरह का जागरूकता अभियान आप चला रहे हैं, कितने चले हैं, कितने के आपने? हम इसके बारे में पिछले 2 साल से लगातार कैंप्स लगा रहे हैं, पूरे हरियाणा में लगा रहे हैं। जहां जहां ज्यादा लोग मना करते हैं वहां वहां और एक स्पेशल कैंप लगा देते हैं, नहीं तो हम ब्लॉक लेवल पे बड़े गाँव में वहां पे हमारे कैंप पूरे साल चलते रहते हैं। कुछ कैंपों में हम पशुओं को जो डीवर्मर है वो देते हैं, कुछ पशुओं में जो बांझपन है उसका इसके साथ इलाज भी करते हैं। तो ये मल्टीपर्पज कैंप होते हैं हमारे। कि मैं आपको सुधारने के लिए कुछ, मैं आपको ये बता दूं कि जो आप दवाइयों की कमी कह रहे हो ना, वो बीच बीच में कुछ ट्रांजिट लेवल होता है। जैसे इनके पास ऑर्डर्स आए हुए हैं तो जो वो सप्लायर होता है उसको 45 दिन का टाइम होता है। कुछ सप्लायर हमारे 20 दिन में भी दे देते हैं, कुछ 25 दिन में भी दे देते हैं। लेकिन मैं ये श्योर करके जा रहा हूँ सभी को कि दवाइयों की कोई कमी नहीं रहने देंगे। कई बार गैप हो जाते हैं कोरोना की वजह से, थोड़े से काम में हमारी कहीं ना कहीं सप्लाई चेन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग चेन में प्रॉब्लम थी, हल्की सी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कम से कम भी 10 करोड़ की दवाइयों के ऑर्डर हम दे चुके हैं, जो कि किसी भी टाइम अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते सभी हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में अवेलेबल होंगे। कि हम इसके मामले में एक सब रोजगार योजना होती है जिसमें हम पशुपालकों को सब्सिडी देते हैं और वो जो सब्सिडी है वो 4 भैंस से लेकर और 50 भैंसों तक हम देते हैं, ताकि वो इसको वो एक रोजगार देने वाला बने, लेने वाला ना बने। और जैसे हमारे ये शेड्यूल्ड कास्ट के भाई बहन हैं, उनके लिए तो हमने एक 16 जो भेड़ या 16 बकरियों की ऐसी स्कीम बनाई है जिसमें 90% उनको सब्सिडी मिलती है। 90% आप इस बात पे स्ट्रेस दें, हम उनको 90% रख देते हैं ताकि वो ना सिर्फ खुद का करें बल्कि दूसरों को मोटिवेट करें रोजगार दें। इसमें जो 50 हमारी भैंसों की यूनिट होती है उसमें जो ब्याज है वो माफ होता है 5 साल तक के लिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई पशुपालक 50 भैंसों की डेयरी करता है तो खुद के रोजगार के साथ साथ तो 4-5 आदमियों को रोजगार और भी देगा। तो विभाग अपनी तरफ से जो है ना पूरा प्रयास कर रहा है। बाकी जहां जहां अर्बनाइजेशन होती है, शहरीकरण होता है, वहां पे थोड़ा सा पशुओं की तरफ रुझान इसलिए कम होता है क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अपने कुछ रूल्स होते हैं, वहां पे डेयरी यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए एक NOC लेनी पड़ती है उनसे। ग्रामीण क्षेत्र में भी कम हो रहा रुझान? ग्रामीण क्षेत्र में मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अब पहले क्या हो गया कि हर घर में पशु होते थे, अब आपको ये मिलेगा कि किसी घर में एक पशु है तो किसी में 8 पशु भी है। वो जो 8 पशुओं वाला है इसका मतलब है कॉमर्शियल डेयरी कर ली है उसने। पहले लोग दूध रखते थे सिर्फ अपने परिवार के लिए और अपने लिए। और दूसरा मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जो मुर्रा है, मुर्रा नस्ल खासकर, उसकी इतनी डिमांड है कि अगर आप उसको अच्छे से पालें, रजिस्ट्रेशन कराएं और उस पशु को सारी वैक्सीन करा लें तो उसकी तो बहुत ज्यादा डिमांड है। रोहतक से, करनाल से मेरे हिसाब से काफी पशु हैं जो दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री तक खरीद के लेके जाते हैं। हमारे जो 343 पद हैं वेटनरी सर्जन के, वो हमारे HPSC के पास गए हुए हैं और अगले कुछ महीनों में हम जो है आपको डॉक्टर्स अवेलेबल करा देंगे। और वो ये जो कमी है इसको कैसे दूर कैसे कर रहे हैं, व्यवस्था कैसे हो रही है? इसकी व्यवस्था मेडिसिनल चार्ज देते हैं जो 7 वाला हमारा पशु चिकित्सक है। हमारे पास अभी 343 जो पद है वेटनरी सर्जन के वो रिक्त है, उसकी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, उनकी रिक्विजिशन जो है वो HPSC में जा चुकी है।
मैं जो भी आपको स्कीम बता रहा हूँ एक्सटेंशन की डेयरी की, इसके अलावा अगर किसी पशुपालक को दूध बेचने में अगर किसी तरह की कोई तकलीफ है उसके लिए हम वीटा से उनका टाई अप कराते हैं। तो आप ये बेसिकली जो पशु है ना उसको इकोनॉमिकल बनाना हमारा काम होता है, डिजीज ट्रीटमेंट करना एक हमारा उसका छोटा सा हिस्सा है। हमारा असली मकसद है कि हम वो जो ब्रीड है उसको अच्छी नस्ल में कैसे कन्वर्ट करें, सबसे बड़ा हमारा ये, क्योंकि अगर नस्ल अच्छी होगी तो दूध ज्यादा देगी, दूध ज्यादा देगी तो किसान के लिए फायदेमंद होगी, अगर वो फायदेमंद होगी तो वो चार आदमियों को और भी बताएगा। तो एक चेन होती है और डिपार्टमेंट जो है मैं मानता हूँ दूध के मामले में पंजाब के बाद हरियाणा दूसरे नंबर पे। तो ये पशुपालकों का हमारे विभाग का एक मिला जुला एफर्ट है जिसकी वजह से इतना छोटा सा स्टेट होते हुए भी हम दूसरे नंबर पे। नस्ल सुधार में क्या क्या इंतजाम हो रहे हैं, क्या क्या? नस्ल सुधार के अंदर हम आपको जो टॉप क्वालिटी के हमारे मुर्रा हैं उनका वीर्य देते हैं सिर्फ 30 रुपए में। गाय के अंदर हम वीर्य सेक्सोर्टेड भी दे रहे हैं जिससे 90% बछड़ी ही पैदा होगी। तो वो जो रोड के ऊपर या जो गौशाला में आप देख रहे हो ये जो मेल होते हैं गाय के, ये आपने भी देखा होगा क्योंकि अब वो ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए आजकल, इसकी पहले तो किसान यूज करता था इसको खेत में तो वो यूज नहीं रहा, इसलिए हमने सेक्स सॉर्टेड भी किया है। और जो हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन देते हैं वो बुल भी बड़ी हाई क्वालिटी के होते हैं। तो जो पशुपालक हैं अगर वो सेक्स सॉर्टेड सीमेन गाय में यूज कर लें और हमारे जो सेंटर्स हैं उससे AI करवाएं तो मतलब ये पक्का है, श्योर है कि जो उसकी अगली पीढ़ी पैदा होगी वो पिछली से 30-50% जो है ना ज्यादा दूध दे। आवारा पशु बहुत बढ़ चुके हैं इस इनके इन पे निगाह। जो मैंने अभी आपको सेक्स सॉर्टेड सीमेन बताया वो मैं यही बता रहा हूँ कि भाई अगर हम वो किसान अगर 90% हमने बछड़ी पैदा कर दी तो किसान के पास रहेगी, बाकी तो मेल हुए ही नहीं, जब हुए ही नहीं तो सड़कों पे भी नहीं आएंगे। बस तो विभाग चारों तरफ से मतलब कोशिश कर रहा है कि हर चीज पे कंट्रोल। हमारे गांव में आज जो पशुपालन विभाग की तरफ से हरियाणा की तरफ से कैंप लगाया है इससे हमें बहुत जानकारी मिली कि पशुओं का मुंह खुर के टीके लगवाने चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है, पशु एक दो दिन में नॉर्मल हो जाता है और ये नए नए टीके सरकार दे रही है वो सब लगवाने चाहिए, उससे हमारा दूध बढ़ता है, दूध बढ़ेगा तो किसानों को फायदा होगा। तो ऐसी ऐसी जानकारी हमें समय समय पर मिलती रहनी चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं सरकार के कि हमारे बीच में डॉक्टर साहब आए हैं चंडीगढ़ से, उन्होंने हमें जानकारी दी और जो जिस भाई ने टीके नहीं लगवाए थे अब वो सब लगवाने के लिए तैयार हैं। इनके कहने के बाद अब पूरा विश्वास हो चुका लगे नुकसान नहीं है, इससे फायदा ही होगा। आपने सुना ये पशु पालकों का जो जागरूकता शिविर था इसमें जो विभाग के पशुपालन विभाग के जो डॉक्टर थे उनका विचार, उनके मत और किस तरह से उनको उन्होंने किसानों को और पशुपालकों को ज्ञानवर्धन किया है। प्रमुख रूप से तीन बातें जो आई हैं सामने वो ये हैं कि जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं का यदि समय समय पर ध्यान रखेंगे और उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे तो फिर वो अपने पशुओं की ज़्यादा जो है उससे दूध ले सकते हैं, उनकी अच्छी नस्ल सुधार सकते हैं। और एक चीज़ जो प्रमुख रूप से सामने आई है वह यह है कि सरकार पशुपालकों को बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, बहुत सारी उनको लाभ अर्जित करने के अवसर प्रदान कर रही है, जैसा कि टीकाकरण करवाना बहुत ज़रूरी है और जो समय समय पर पशुपालक हैं वो अपने पशुओं की जांच कराएं। और आजकल जो फसलों में कई तरह की जो बीमारियां की रोकथाम के लिए जो दवाइयां उपयोग में होती हैं उनका भी पशुओं पर दुष्प्रभाव होता है, इसलिए पशुओं पर नमक की जो बात आई है भी नमक का इस्तेमाल पशुओं में ज़रूर हो, मिनरल मिक्सचर उनको ज़रूर दिया जाए और जो सबसे बड़ी बात थी मीठा सोडा की बात आई है वो दिया जाए। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो नॉर्मली आम रूटीन में गांव में किसान के पशुपालक के घर मिल जाती हैं और इनसे पशुओं को बहुत सारा लाभ होता है, किसान बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। आप भी लाभ उठाइए और देखते रहिए जनता हलका। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।